भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार मौजूद हैं। एक बार तारुफ कराते हैं, जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, डॉक्टर उदित राज मौजूद हैं, डॉक्टर अजीज खान साहब, शिवम त्यागी, सतीश प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मैंने एक बात ओपनिंग रिमार्क में कही थी और एक बात फिर से मैं कहता हूँ, बहुत छोटी सी बात है, ये बात सच है कि हमारा एक पैर अंतरिक्ष युग में है और दूसरा कहाँ पर मौजूद है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, हमने कहा था, हमने बीच में एक वक्ता को बोला था, प्रवक्ता को बोला था कि साहब उस शब्द का इस्तेमाल ना करें, बोले वो वास्तविकता है। निश्चित तौर से हम सब वाकिफ हैं, हमने कभी इनकार नहीं किया इस चीज़ से, लेकिन राजनीति में आके वो किस तरह से पैर पसारती है और किस तरह से वटवृक्ष खड़ा होता है, इसका सिर्फ एक अंदाजा है और मैंने आपको उसका एक नमूना दिखाया जी। डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे थे, डॉक्टर अजीज खान मैं आपसे ओपन करता हूँ, देन आई एम कमिंग टू डॉक्टर उदित राज जी। जो डॉक्टर अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज खान आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर अजीज खान, सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, जी सर जी, आपके आपका रिमार्क लेते हैं। नहीं देखिए, सवाल पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल किसी ने पूछा था कि आपका एक नारा रहा है और बड़ा प्रचलित नारा रहा है और उसके बारे में उन्होंने कहा था कि उनसे जरूर पूछिएगा जब आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, 14 साल बाद फिर याद आया है, तो उनसे जरूर पूछिएगा उस नारा वो सच्चाई था या नहीं। डॉक्टर अजीज खान मैं आ रहा हूँ फिर अब आपके पास, यू हैव टू वेट नाउ डॉक्टर अजीज खान साहब, नाउ यू हैव टू वेट। सतीश जी का नाम ले लिया मैंने जी, सतीश जी। देखिए प्रतीक जी, ये सच्चाई है कि इस देश का दलित सवाल के साथ पैदा होता है और जीवन भर वो दूसरों के सवालों का जवाब देता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि दलित के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। मैं आपके इस सवाल का जवाब ये है कि बहुजन समाज पार्टी का कहीं भी ये राजनीतिक नारा नहीं है, दलित समाज में जो सामाजिक मूवमेंट है उसमें ये नारा हो सकता है, लेकिन ये नारा है, इसको एक नारे के रूप में लीजिए। आज तमाम राजनीतिक दल अपने नेताओं की लिस्ट जारी करें कि उनके किन किन नेताओं को, बहुत बड़ी बात कही है आज आपने, आप इसको नारे की तरह इस्तेमाल करें, नारे से जब इस्तेमाल करते हैं तो दूरियां बढ़ती है। जवाब देना चाहता हूँ जी, जबर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। देखिए मैं आपका एक नेता जो अपर कास्ट है, देखिए ओबीसी के एक लीडर के जूते मारता है और साथ में उसकी जातीय औकात बताता है। देखिए प्रतीक जी, ये सच है कि जाति की तख्ती गले में डाल करके जाति, मैं जरा जवाब देना चाहता, ठीक है, राइट सर, राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट सर। सतीश जी को ऑडियो डाउन, सतीश जी ऑडियो लिया, एक एक छोटा छोटा करके करेंगे सतीश जी, छोटा छोटा करके, एक मोनोलॉग नहीं जी। जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब, डॉक्टर अजीज खान आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए जफर इस्लाम साहब जी, देखिए इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया इस आपके चैनल पे, जिस किसी भी आपके देखने वाले ने सवाल उठाया था, बिल्कुल सही सवाल उठाया था कि मुखौटा पहन के राजनीति करना चाहते हैं ताकि इनको किसी तरह का फायदा हो, इसलिए कि इनको मालूम है दलित समाज ने इनको छोड़ दिया, इनका दामन छोड़ दिया है, इसलिए कि जिस तरह के दलित समाज के साथ इन्होंने बर्ताव किया है और जिस तरह से सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपने घर वालों के लिए, जिस सर ये तो बताइए, डॉक्टर उदित राज जी ने भी एक सवाल पूछा था आपसे, जफर भाई, डॉक्टर उदित राज जी ने भी एक सवाल पूछा था कि आप तो सब हिंदू समाज की बात करते थे फिर आप टुकड़ों की बात क्यों करने लगे, डॉक्टर उदित राज जी ने भी एक सवाल पूछा था आपसे, देखिए जवाब दीजिए। नहीं नहीं, हमारी पार्टी ने बराबर बात किया, बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी ने बराबर बात किया है कि हर वो समाज का वर्ग जो पिछड़ा है उसको हमारी पार्टी जो है जो सपोर्ट करेगी, हमारा तो बराबर से फिलॉसफी रहा है, इस हमारी पार्टी का फिलॉसफी रहा है कि लास्ट आदमी जो क्यू में खड़ा है उसको हम सबसे ज्यादा जो है समर्थन देते हैं, तो हमारी पार्टी का शुरू से एक कोशिश रही है कि जो गरीब आपने जो पिछड़ा वर्ग है उसको सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ाना जी, डॉक्टर उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जी समाज का है चाहे जी समाज का, लेकिन डॉक्टर उदित राज जी जरा यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर अभी बात कर रहे थे सतीश जी बात कर रहे थे, उसने पूरे तरह की राजनीति करना चाहते हैं ब्राह्मण, इनको मालूम है ब्राह्मण इनके साथ नहीं है, इनको मालूम है दलित इनके राइट, जफर भाई, जफर भाई आ रहा हूँ, पार्टी को मालूम इनके साथ, जफर भाई आ रहा हूँ, जफर भाई आ रहा हूँ, इसी समाज में है, जफर भाई आ रहा हूँ, जफर भाई आ रहा हूँ, जफर भाई आ रहा हूँ, उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जी, आरएसएस की फाउंडेशन भारतीय जनता की पार्टी का प्रचार मात्र मात्र एक बात पर रहता है कि सब हिंदू एक हैं, सब हिंदू एक हैं, जहां जाति का नाम लिया ये पाप समझते थे,
जब तक कि यह मंत्रिमंडल नहीं गठन हुआ, जिस मंत्रिमंडल में बताया गया ये पासी है, ये है निषाद है, ये धोबी है और ये पाल गरड़िया है, कहाँ गया इनका सिद्धांत? भारतीय जनता पार्टी अगर आज टिकी हुई है तो केवल हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करके, हमारा सिद्धांत है सबको लेके साथ के चलने का। अरे बोलने दीजिए भाई, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बीच में टोकता हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं भाई? आप हमारी बात को कौन करने दीजिए आप? मैंने आप, मैं कभी किसी की बात नहीं सही कर रहा हूँ उदित राज जी। ये भाई आप मुझे बोलने दीजिए भाई, जो कह रहे हो आप, जो आपको मैंने डिस्टर्ब किया क्या? आपको डिस्टर्ब किया क्या बताइए? आपने आपने बोला, उन्होंने आप उन्होंने मौका दिया तब मैं बोल रहा हूँ। आपके बीच में बिल्कुल इंटरफियर नहीं किया मैंने, काइंडली मुझे बोलने दीजिए। ये 36 नए मंत्री बनाए गए, कोई मुसलमान बनाया इन्होंने? कल ये 80 सीटें लड़ाया था, 300 सीट उत्तर प्रदेश में लड़ाया था, किसी मुसलमान को लड़ाया था? केवल दलितों को मुसलमान से लड़ाना, हिंदू समाज से मुसलमानों को लड़ाना देना कुछ नहीं है, केवल एक ये गूंगे बहरे दलित और पिछड़ों को खड़ा कर दिया है, मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया है। मिलने वाला कुछ नहीं है, देश में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मोदी जी ही चलाएंगे, पीएमओ चलाएगा, मंत्रियों चाहे जितने बना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट राइट डॉक्टर साहब, है कि हिंदू समाज अपने आप अपने को जलाया है कि सौतन विधवा हो जाए, सेवतन विधवा करने के चक्कर में अपना पति भी मार दिया, यही बर्बाद हो गया। मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर फैलाते रहते हैं, इतना जहर फैलाते हैं कि हिंदू अपने आप को बर्बाद हो गया है। न रोजगार की बात है, राइट डॉक्टर, स्वास्थ्य की बात है, न पढ़ाई की बात है, न नौकरी की बात है, पूरा देश गरीब हो गया है और बांग्लादेश से भी। मैं जरा जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जफर इस्लाम साहब जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। शिवम शिवम क्या कहते हैं? जफर इस्लाम साहब, शिवम क्या? मैंने अपनी कह दिया, जिसको बोलना बोले। हाँ जी, 10 सेकंड लोग, 10 सेकंड लोग, इतना कहना चाहता हूँ। शिवम को ऑडियो डाउन, शिवम को ऑडियो डाउन। जी जी, जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब नहीं दे रहे हैं प्रतीक जी, ये क्या तरीका है? लगातार मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकंड में। डॉक्टर जी, हाँ आप सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। डॉक्टर सुन लीजिए, डॉक्टर अजीज खान को ये बताना चाह रहा हूँ, जिस डॉक्टर अजीज खान आपका गुस्सा सही है, जायज है, उस पार्टी में, उस पार्टी का इतिहास जरा देख लीजिए, यही यही समाज को तोड़ के राजनीति पूरी कांग्रेस ने की है, पूरे 1947 से जब से हमें आजादी मिली है। इसी पार्टी ने का, अगर इतने मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी पार्टी का जरा चेहरा देखिए, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें आप देख लीजिए कि मुसलमानों के हैसियत क्या रही, दलित से भी बदतर हैसियत रही। वो किस लिए हुई? किस लिए कि कांग्रेस की ये नीति रही थी कि मुसलमानों के कोना में छोड़ दो। आज मुसलमान खुल के बात करता है, खड़ा रहता है, इसलिए कि किसी पार्टी के लिए नहीं, हर पार्टी ने उसको, हमारी पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है। राइट सर, देखिए वेलफेयर स्कीम में, राइट सर, मैंने आपको दिया सर, वेलफेयर जफर इस्लाम भाई, फायदा हुआ है जफर भाई, मैंने आपको टाइम दिया। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, आपका गुस्सा जायज है, गुस्सा जायज है, मुझे बिल्कुल उस पर कुछ नहीं कहना, आपने बात बिल्कुल, गुस्सा जायज है, मैं आपका गुस्सा अपना लेता हूँ, मैं लेकिन फोन कट गया था आपका, मैं आपका आपकी बात लेता हूँ। डॉक्टर